हाय गाइस, द पर्पस रीजन जो कि मैं ये वीडियो बनाता हूँ वो ये है टू बी द बेस्ट यू, राइट? दैट्स द सीरीज कॉल्ड. सो इसमें मैं बहुत बातें करता हूँ, लेकिन मैंने बोला हुआ है कि एक बीइंग द बेस्ट यू के लिए आपको तीन चीज़ें अपनी लाइफ में फिक्स करनी होंगी, आपका करियर, आपके हेल्थ और आपके रिलेशनशिप्स. करियर के बारे में तो मैं बहुत बात करते ही रहता हूँ, तो आज मैं आपसे बात करूँगा हेल्थ के बारे में. बिकॉज इफ़ यू डोंट हैव हेल्थ, यू कॉन्ट हैव योर बेस्ट लाइफ, यू कॉन्ट बी द बेस्ट यू. नो हेल्थ, नो बेस्ट लाइफ, राइट? और ये चीज़ ऐसी है जो मैंने खुद सही है, जो मैं खुद गलतियाँ कर करके ये मैं समझा हूँ लाइफ में कि हेल्थ को गंवाना ठीक नहीं है, राइट? एक चीज़ जो मेरे को हमेशा सताती रही है एक तरह से, वो ये है कि मेरे वेट प्रॉब्लम्स. कह दो मैं पंजाबी हूँ, बड़े आराम से पंजाबी कह देते हैं भाई, हम तो, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है वेट कम करना, हम तो खाते पीते लोग हैं. बट द फैक्ट इज़ कि समवेयर डाउन द लाइन मेरा रिलेशनशिप जो है खाने के साथ वो अच्छा नहीं रहा, राइट? हर चीज़ एक तरह से खाने से जुड़ी हुई थी. जब मेरे को याद है मैं अपने करियर में खुश नहीं था, जैसे बैंक में, तो मैंने कहा कैसे अपने आप को बेहतर करूँ, हाउ डू आई फील बेटर. तो मैंने कहा मैं ज़्यादा खा लेता, राइट? जब मैं खुश था, जब मैंने कुछ अचीव किया है, तो ऑब्वियसली चलो पार्टी करो, चलो खाओ, राइट? जब पैसे कमाए, पैसे को क्या करना है, और खाओ, बढ़िया खाना खाओ, राइट? हर चीज़ फूड फूड फूड, मतलब एक तरह से उसी के बेसिस पे हो गई. इनफैक्ट मैं जब उस टाइम के फ़ोटोज़ मेरे को देखना भी नहीं अच्छा लगता, बिकॉज आई डोंट लुक गुड, आई डोंट लुक नाइस. इवन इन व्हेन आई बिकेम अ राइटर, इफ़ यू गूगल माई फ़ोटोज़, आई विल बी इन ऑल शेप्स एंड साइजेस, बिकॉज मैंने अपना ध्यान नहीं रखा ऑनेस्टली. जब मेरा करियर अच्छा जा रहा था, लाइक इन द सेंस एंड आई स्टार्टेड डूइंग टॉक्स एंड आई एम डूइंग ऑल काइंड ऑफ इवेंट्स एंड लिटरेचर फेस्टिवल्स एंड ऑल दीज थिंग्स, आई वॉज डूइंग सम 50-70 अ ईयर, विच मीन्स 52 वीक्स इन अ ईयर. हर हफ्ते आप कोई नई सिटी जा रहे हो, हर हफ्ते 2-3 दिन आप ट्रैवल कर रहे हो, ऐसे में आप कैसे अपना ध्यान रखोगे? मेरे को कोई परवाह नहीं थी. मेरे को था देखो मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैं पूरे देश में जाना जाने लगा हूँ, एवरीबडी नोज मी, फिल्में बन रही हैं, इसके लिए जाओ, फिल्म बुक लॉन्च के लिए जाओ, लिट फेस्ट के लिए जाओ, लेक्चर्स करो, मोटिवेशन टॉक्स करो, एंड इट वॉज टेकिंग अ टोल ऑन माई हेल्थ. माई करियर वॉज स्काई रॉकेटिंग, बट माई हेल्थ वॉज नॉट. सो आई वॉज नॉट दैट हैप्पी, एंड दैट इज़ वेयर आई फिगर्ड आउट कि बिना हेल्थ के यू कैन नेवर बी हैप्पी. एंड आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन दिस लॉकडाउन मेड मी लर्न दिस even more, right? I started exercising, I started running, things like that. But even before, I remember when I was at the bank, how do people ask me often, apne bank ki job kaise chhodi to write? It wasn't like ki main bada khush tha, tehlte tehlte ek din ka, arre chalo ab se hum likhenge, bye bye bank, aise nahi tha. मैं अंदर ही अंदर दुखी होते जा रहा था, और मेरी हेल्थ खराब पे खराब होते जा रही थी. I did not realize this, but I was gaining weight, like I told you. My mood used to be almost always off only, right? I was never happy, never smiling, never wanting to meet people, things like that. I was not sleeping well at night. That's a very, very good sign of your health not being okay. If you don't sleep well at night, iska matlab aapko koi chinta sa ja rahi hai, koi issue hai aapke sath, right? So that is somewhere down the line I started feeling. Aur mereko yaad hai ek din office mein kuch log na cigarette peene jaate the dopahar ko. I don't smoke and I would not recommend anybody smoke, and I don't smoke. Lekin mujhe yaad hai ki main itna dukhi tha ki ek din maine kaha yaar mujhe bhi le jao, एंड मैं भी तुम्हारे साथ सुट्टा ब्रेक पे जाता हूँ. नॉट टू बी कूल, नॉट टू इन्जॉय, नॉट एनी थिंग. आई न्यू इट्स बैड फॉर मी, आई नेवर लाइक सिगरेट्स, बट मैंने कहा चलो कोई डिस्ट्रैक्शन मिलेगी. एंड दैट डे आई रियलाइज कि दिस इज़ गेटिंग वर्स एंड वर्स. इफ आई स्टे इन दिस बैंक जॉब, आई विल लूज माई हेल्थ कम्प्लीटली, बिकॉज नाउ आई नीड सिगरेट्स टू कोप. आई एम ऑलरेडी नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली, नॉट ईटिंग प्रॉपरली, एंड नाउ आई एम गोना गेट एडिक्टेड टू निकोटीन ऑल्सो. इनफैक्ट दैट मेड मी क्विट द बैंकिंग जॉब, एंड देन आई न्यू कि ये नहीं होगा. एंड उसके बाद आई डिड इम्प्रूव माई हेल्थ, बट देन अगेन माई करियर टुक ऑफ, लाइक आई टोल्ड यू, विद टॉक्स एंड मूवीज एंड ऑल दीज टेलीविजन बुक्स, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, अगेन आई लॉस्ट माई हेल्थ. सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी. सो आई एम नो एक्सपर्ट इन टर्म्स, आई एम नॉट वन ऑफ दोज इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स, यू नो, लाइक सुपर हॉट एंड दे टेक दीज फोटोज एट देयर बॉडीज एट डिफरेंट एंगल्स, और ऐसा लगता है बापरे कैसे. आई एम नॉट दैट पर्सन, बट आई एम अ पर्सन जो
गलतियाँ कर करके सीखा है, जो नॉर्मल लाइफ जिसने जी है, जो हेल्थ प्रोफेशनल नहीं है, लाइक यू नो प्रोफेशनल फिटनेस पर्सन नहीं है, लेकिन हैज़ ट्राई टू बी फिट. एंड आई एम टेलिंग यू, व्हेन द पेंडेमिक स्टार्टेड, यू नो आई वॉज फोर्स टू क्विट वर्क, ऑब्वियसली ऑल द टॉक्स वैनिश्ड, मूवीज हैव स्टॉप्ड, सो मेनी अदर थिंग्स हैव स्टॉप्ड. सो आई कुड जस्ट डू टू थिंग्स, आई कुड राइट एंड आई कुड रन. रनिंग वॉज अलाउड, आई कुड गो आउट एंड रन, एवरीथिंग एल्स वॉज शट. सो आई स्टार्टेड रनिंग, आई बिकेम a runner at age 46, and now I run almost every day, 8 kilometers. I think I run at a pretty good speed, and it's made me stronger, it's made my heart stronger, it makes me feel better, and so many other things. And if I can do it at 46, come on, I know, I see the age profile of my viewers, most of you are way younger than me, so you can also do it, right? The lesson I've learned is ki, say, if you ask anybody, is health important? सब बोलेंगे हाँ इम्पॉर्टेंट है, बट द हेल्थ कैन ओनली बी मेंटेन्ड इफ इट्स इन वन ऑफ योर टॉप प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ. लाइक इट्स हैज टू बी इन योर टॉप 3 प्रायोरिटीज. आई वुड से इट हैज टू बी नंबर 1 प्रायोरिटी, देन ओनली इट इज मेंटेन्ड, बिकॉज इट्स क्वाइट हार्ड टू यू नो रेगुलरली वर्कआउट, ईट हेल्दी, ऑल दीज अदर थिंग्स, इट्स जस्ट डिफिकल्ट. एंड देन यू नो आई एम नो गुरु, बट ऑल आई कैन से इज सिंस आई हैव प्रायोरिटाइज्ड इट, फॉर मी इट्स नंबर 1 नाउ, बिकॉज आई हैव a sort of settled career, but you know it has to be for you also top 2, top 3 kind of thing. And I run, I you know I'm careful about what I eat, but not as good, like I'm not like a super careful, I'm 80% good, 20% I'm not good also, but that helps me you know maintain my diet somewhat. I'm trying to be better. It's always, you can always improve in terms of your health. And I think in COVID times, health has become even more important. We have seen COVID has hit people who are unhealthy more. In terms of when it comes to you, you get more affected if you're unhealthy. It can help, it has hit healthy people also. So I'm not going to argue on all that. But you know, it's become even more important to be healthy during COVID times, right? Health not only improves your body, I mean, it also improves your mind, mood, motivation, drive. Everything is linked to it. So I am, in a way, very keen to promote health for career also. Because, you know, because if you have a good health, you have a good mind, and that good mind can do good things for your career. So ek tarah se wo linked bhi hai usme. Just incorporate health in your life. Move it up the priority scale. You don't need to have a model-like fit body, but at least be a fit human being with a sound body and sound mind. Because no health, no best life. Take care.